हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है धोखेबाज घमंडी चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं धोखेबाज घमंडी चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, शैतानपुर में हेमलता नाम की एक लालची और मतलबी चुड़ैल रहती थी। हेमलता की दोस्ती पास के जंगल में रहने वाले एक इच्छाधारी नागिन से थी। इच्छाधारी नागिन के पास एक जादुई मनी थी। उस मनी की शक्ति से इच्छाधारी नागिन खाने की बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें प्रकट करके चुड़ैल को खिलाया करती थी। फिर एक दिन चुड़ैल के जन्मदिन पर इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई मनी की शक्ति से उसके लिए बहुत बड़ा केक प्रकट करती है। फिर चुड़ैल केक के ऊपर बैठ जाती है और वो केक हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल को लेकर शैतानपुर पहुंच जाता है। चुड़ैल के पास इतना बड़ा केक देख सभी चुड़ैलें हैरान हो जाती हैं। हेमलता, तुम्हारे पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया? सच में इस केक का आकार बहुत बड़ा है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मेरी सहेली इच्छाधारी नागिन ने मुझे ये केक तोहफे में दिया है। अगर तुम सबको ये स्वादिष्ट केक खाना है तो चलो लाइन में लग जाओ, मैं तुम सबको थोड़ा थोड़ा केक खाने के लिए दूंगी। उस केक को देख सभी चुड़ैलों के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो सभी लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद हेमलता उन चुड़ैलों को थोड़ा थोड़ा केक खिला देती है। अरे वाह, ये केक तो बहुत ही मजेदार है। हेमलता, मुझे थोड़ा सा केक और दो ना। नहीं नहीं, ये बहुत कीमती केक है। मैंने तुम मामूली चुड़ैलों को ये केक चखने दिया, ये बड़ी बात है। चलो हटो यहाँ से। इस तरह हेमलता चुड़ैल वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलों की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद इच्छाधारी नागिन हेमलता को जादुई कालीन पर बैठाकर दूर एक समंदर किनारे घुमाने ले जाती है। अरे वाह, ये समंदर का नजारा तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम अपनी जादुई मनी की शक्ति से एक नाव प्रकट कर दो, फिर हम दोनों नाव में बैठकर समंदर की सैर करेंगे। चुड़ैल के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन वहाँ एक नाव प्रकट कर देती है। फिर वो दोनों नाव में बैठकर समंदर की सैर करने लगते हैं। लेकिन बीच समंदर में पहुंचते ही हेमलता चुड़ैल धोखे से इच्छाधारी नागिन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर उसकी जादुई नागमनी अपने कब्जे में ले लेती है। आज से ये जादुई नागमनी मेरी हुई। मैं इच्छाधारी नागिन को बांधकर समंदर में फेंक देती हूँ, उसके बाद समंदर की कोई शार्क इसे खा जाएगी। इतना कहकर हेमलता चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के हाथ पर रस्सी से बांध देती है और फिर इच्छाधारी नागिन को पानी में फेंक कर हेमलता चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब मैं इस नागमनी की शक्ति से शैतानपुर की सभी चुड़ैलों को अपने इशारे पर नचा सकती हूँ, यहाँ तक के रानी चुड़ैल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद हेमलता चुड़ैल जादुई नागमनी की शक्ति से शैतानपुर में अपने लिए बहुत बड़ा महल तैयार कर लेती है और दूसरी चुड़ैलों पर धाक जमाना शुरू कर देती है। हेमलता चुड़ैल रोज अपने महल की खिड़की से चुड़ैलों के लिए मांस के टुकड़े फेंका करती थी। महल के नीचे मौजूद चुड़ैलें मांस पर झपट पड़ती थी और ज्यादा मांस के टुकड़े हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती थी। ये देख हेमलता चुड़ैल को बहुत मजा आता था। धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन हेमलता चुड़ैल रानी की जगह खुद शैतानपुर की रानी बनने का फैसला करती है। उसके बाद हेमलता चुड़ैल शैतानपुर की चुड़ैलों को इकट्ठी करके उनसे कहती है, आज से तुम सब मेरी गुलामी स्वीकार कर लो और इस रानी चुड़ैल को महल से बाहर भगा दो। अगर कोई भी चुड़ैल मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। ये देखो, मेरे पास जादुई नागमनी है।
जादुई नागमणि दिखाकर हेमलता चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों को डराने लगती है, लेकिन तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। इच्छाधारी नागिन को जिंदा देख चुड़ैल घबरा जाती है, लेकिन तभी इच्छाधारी नागिन अपनी पूंछ लंबी करके हेमलता के हाथों से नागमणि छीन लेती है। फिर अगले ही पल हेमलता चुड़ैल का बनाया हुआ महल वहां से गायब हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा महल गायब कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि की शक्ति से हेमलता चुड़ैल को चूहिया बना देती है। ये देख वहां मौजूद सभी चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो उसे ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देती है। इस तरह उस धोखेबाज और घमंडी चुड़ैल को उसका सबक मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों धोखेबाज घमंडी चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, साथ ही हमें हमेशा धोखेबाज और लालची दोस्तों से भी दूर रहना चाहिए, वरना एक दिन हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।